दोस्तों मैं लेके आई हूँ आज कोजिक एसिड स्किन वाइटनिंग सोप, जो कि डर्मा टच ब्रांड से है। मैं शेयर करूँगी इसका नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू, इसके फ़ायदे नुकसान, और इसको यूज़ करके दिखाऊंगी अपने फेस पे। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, दोस्तों ये है डर्मा टच ब्रांड से सन डैमेज एंड डार्क स्पॉट क्लियरिंग कोजिक एसिड के साथ। ये 1% कोजिक एसिड के साथ है दोस्तों। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सोप है, क्लिनिकली प्रूवन एक्टिव के साथ आता है। मैं लेके आई हूँ उसका नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू। एंड दोस्तों ऐसे ही नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू शेयर करती हूँ। दोस्तों ये जो है pH 5.5 के साथ आता है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए फ्रेंडली है। ये जो सोप है करता क्या है, ये आपकी डार्क स्पॉट्स को कम करता है, सन डैमेज को कम करता है, ये रिड्यूस करता है डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन को, अनइवन स्किन टोन को, एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को, स्किन को क्लियर बनाता है, स्किन को क्लींस करता है, रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को, और ये स्किन डैमेज जो कि फ्री रेडिकल से हो जाता है उसको कम करता है, अचीव करता है इवन एंड रेजुनेट स्किन टोन को। ये मतलब इन शॉर्ट आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में मदद करेगा। ये आता है 170 रुपीज़ का, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है 75 ग्राम की। दोस्तों ये जो सोप है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये जो सोप है ये आता है कोजिक एसिड के साथ, जो कि स्किन को ब्राइटन अप करने में और स्किन को लाइटन करने में मदद करता है। इसमें ग्लूटाथियोन है, जो कि अगेन एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है। बाकी इंग्रीडियंट लिस्ट को पॉज करके चेक कर सकते हैं, जब इंग्रीडियंट लिस्ट से सेटिस्फाइड हो तभी कोई आप प्रोडक्ट यूज करें। दोस्तों जो ये आपका इसमें डर्मा वाइट डाला गया है, जो कि इम्प्रूव करता है स्किन के रेडियंस को। ये आता है कार्डबोर्ड बॉक्स में, और अंदर आपको देखने को मिल जाता है वाइट कलर का कुछ क्रीमी बाथिंग बार टाइप का सोप, जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ्रेगनेंस मुझे कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, फ्रेगनेंस थोड़ी सी केमिकल टाइप की है। और ये जो सोप है काफ़ी अच्छे से लेदर क्रिएट करता है दोस्तों, ये लेदर फ्री सोप नहीं है। और ये pH 5.5 के साथ आता है, तो ये सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ब्रांड कहता है कि पहले पैच टेस्ट करें फिर प्रोडक्ट यूज़ करें, और मेरा भी यही मानना है कि कोई रिव्यू कुछ भी से ऐसे नहीं आप अपने प्रोडक्ट यूज़ करने लगो कुछ भी अपने फेस पे, पहले पैच टेस्ट कर लो फिर प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करो। चलिए मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये कोजिक एसिड वाले जो सोप होते हैं या कोई भी क्रीम होती है, इनको यूज़ करने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना ज़रूरी होता है। इसको आप डे एंड नाइट दोनों यूज़ कर सकते हैं, फेस एंड बॉडी पे भी इसको लगा सकते हैं। और ये जो मैं सोप ले रही हूँ, पहले मैं इसको हैंड में रब करूँगी वाटर के साथ, उसके बाद इसके लेदर को फेस पे लगाऊँगी। चलिए सोप रख दिया है मैंने, और मैं बिंदी हटाना भूल गई हूँ, और उसके बाद मैं इसके लेदर को काफ़ी अच्छे से फेस पे मसाज कर रही हूँ। देखिए ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा फोम बना रहा है, और ये मैं फोम हैंड में भी लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए हैंड का भी जो मेरा कलर है वो थोड़ा सा फेस से ज़्यादा डार्क है, मैं हमेशा बताती हूँ। तो इस तरीके कि स्किन लाइटनिंग सो मेरे हैंड पे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी कोजिक एसिड की मात्रा सिर्फ 1% है, तो मुझे फील हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ फेस पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि कोजिक एसिड जो 1% ये फेस के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी के लिए थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रॉन्ग चाहिए हो, लेकिन मुझे हैंड पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना मुझे फेस पे मिला। देखिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कुछ दिनों से, ये स्किन को ब्राइटन अप तो कर देता है, अनइवन स्किन टोन भी बहुत कम नज़र आता है। बाकी मैं ये सोप रिकमेंड करूँगी उनको जिनको मतलब एक्टिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो तो पैच टेस्ट करके ही इसको यूज़ करें। इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय।